हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग, और उसमें आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट. ओके, सबसे फर्स्ट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट होती है और हम एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. दैट इज इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशंस टू फिल द वैकेंसी. दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कैपेबल एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं एंड स्टिम्युलेटिंग देम, मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. दैट इज कंसीडर्ड एज रिक्रूटमेंट. वाइल सिलेक्शन क्या होता है? जब हम रिक्रूटमेंट, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस हमने इनवाइट करी है उसमें से सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके और जो एक बेस्ट कैंडिडेट होता है, जब हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन. इसका मतलब रिक्रूटमेंट मतलब होता है इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, सिलेक्शन मतलब होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दोज एप्लीकेशंस. रिक्रूटमेंट को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज उसमें हम मोर एंड मोर एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं. वेल, सिलेक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि उसमें हम सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हैं और जो बेस्ट एप्लीकेशन होती है सिर्फ उसी को हम रखते हैं. इसलिए वो रिजेक्शन इन्वॉल्व होने की वजह से उसको हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. रिक्रूटमेंट इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस एज वेल अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन फिलिंग अप द पोजिशन एज वेल एज नेगेटिव प्रोसेस. ओके, moving on forward, sources of recruitment. There are two sources. One is internal source and second one is external source. Internal source मतलब within the organization, जब हम appointment and reappointment करते हैं उसको हम कहते हैं internal source. There are two internal source. First is transfer, second is promotion. ट्रांसफ़र होता है व्हेन वी शिफ्ट एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, विदाउट एनी चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे, जॉब एक्सेट्रा. यानी कि आपने एम्प्लॉय को सिर्फ शिफ्ट करा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसका ओहदा, सैलरी, पे, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी चेंज नहीं होता, सब कुछ वैसा ही रहता है, बस उसकी वर्किंग प्लेस चेंज होती है फ्रॉम वन टू अनदर. ओके, एंड प्रमोशन क्या होता है? जब हम शिफ्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय को उससे हायर पोजीशन पे, जहाँ पे उसको मोर पे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर स्टेटस मिलता है, उसको हम कहते हैं प्रमोशन. ओके, नाउ इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट्स क्या होते हैं? नंबर वन, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं जब उन्हें प्रमोशन मिलता है. नंबर टू, ऑलरेडी फेमिलियर टू ऑर्गेनाइजेशन, वही एम्प्लॉयज़ को हम प्रमोट करते हैं तो उन्हें हमें कुछ नया सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से फेमिलियर होते हैं. एज वेल, उन्हें ओरिएंटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. ओरिएंटेशन यानी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन. देन फोर्थ, ईजी टू शिफ्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम नए माहौल में जाते हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है. जब हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो एडजस्ट होना बॉस के लिए भी ईजी हो जाता है एज वेल एज एम्प्लॉय के लिए भी ईजी हो जाता है. नंबर फिफ्थ, चीपर, क्योंकि कोई ऐड नहीं करना पड़ा, इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करने पड़े, पैनल को नहीं बिठाना पड़ा, तो ऑब्वियसली ये चीपर पड़ता है. ओके, बट एज यू नो देर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है. जैसे कि नंबर वन, बाहर से कोई भी फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं हो पाता है. नंबर टू, becomes lethargic. Lethargic मतलब होता है लेजी होना. यूजुअली एम्प्लॉयज के बैक ऑफ माइंड रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम आने पर हमें प्रमोट करेगा,
और वो बाहर से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट नहीं करेगा, तो इस वजह से उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चला जाता है एंड एज वेल वो लेजी हो जाते हैं, दैट इज बिकम्स लेथार्जिक एंड नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. नंबर थर्ड, नॉट फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन के पास तो कोई डेटाबेस ही नहीं है, उनके पुराने एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, तो वो रीअपॉइंटमेंट कर ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है. नंबर फोर्थ, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय को अगेन एंड अगेन शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम HR टू सेल्स, सेल्स टू परचेज, परचेज टू मार्केटिंग, तो उसका दिमाग कभी भी फोकस नहीं हो पाता और वो अलग अलग स्किल्स सीखने के चक्कर में किसी में भी स्पेशलाइज नहीं हो पाता और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. ओके, सो इंटरनल सोर्सेज यूजुअली जब मे बी आपके कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, या मे बी जब आपको टेम्प्रेरी पोजीशन फिल करनी है, या मे बी आपको बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड पोजीशन फिल नहीं करनी है, तब ये सूटेबल होता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. शिफ्टिंग ऑन टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल मतलब हम बाहर जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फिर एप्लीकेंट्स बुलाते हैं, इंटरव्यू होते हैं एंड देन हम सिलेक्शन करते हैं. ओके, देयर आर ऑलमोस्ट 10 एक्सटर्नल सोर्सेज. सबसे फर्स्ट होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कुछ ऐसा होता है, सपोज करिए एम्प्लॉय आता है, अपना रिज्यूमे देता है, या मे बी कितनी बार रिज्यूमे नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लो लेवल जॉब्स के लिए होता है, जैसे स्वीपर होता है, प्यून होता है, वो क्या करते हैं, आते हैं, बोला कि मुझे ये काम आता है, क्या इस काम के लिए जगह है, जो इसको रखना है, जो एम्प्लॉयर है उसने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे ज़रूरत है, वो आया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने बोला ठीक है हमें इस काम की ज़रूरत है और एम्प्लॉयर ने रख लिया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दैट इज़ वॉक इन इंटरव्यू, गया, बातचीत हुई, काम पर रख लिया, दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सेकेंड होता है कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स जनरली कैसे होते हैं, जब आप जॉब की नीड में होते हो, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, अपना रिज्यूमे ड्रॉप करते हो, जो रिसेप्शनिस्ट या HR वाले लोग होते हैं वो आपका रिज्यूमे रख लेते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वेटिंग लिस्ट में से आपको बुलाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर. ओके, नंबर थ्री, एडवर्टाइजमेंट. जैसे हम, ये तो बेस्ट है, हम हमेशा टाइम एसेंट वगैरह में या जॉब सेक्शंस वगैरह में देखते रहते हैं कि कौन से इंटरव्यूज़ कहाँ पर कंडक्ट होने वाले हैं, तो यूजुअली न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्सटर्नल सोर्स फॉर रिक्रूटमेंट. फोर्थ होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, सपोज कर लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जॉब सीकर है, जॉब सीकर यानी कि जो जॉब के सर्च में है, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं मुझे एम्प्लॉय मिले, एम्प्लॉय चाहता है मुझे जॉब मिले, बट दोनों को नहीं पता कि कहाँ से हम लोग एक्वायर करें और कहाँ से हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करें, तो बीच में आता है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फाइंड आउट करता है एंड देन अकॉर्डिंगली उनको एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है. इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मीडिएटर है जो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज प्रोवाइड करता है एज पर द क्वालिफिकेशंस एंड एज पर द रिक्वायरमेंट. और अगर ये गवर्नमेंट होता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है तो वो उसके लिए कमीशन भी चार्ज करता है. ओके, नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसी. एक ही बात है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थोड़ा स्मॉल लेवल पर हो सकता है, वह जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो नेशन वाइड होती है, ऑल ओवर द नेशन होती है, बट रोल इसका भी यही होता है, जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर के बीच में ये भी एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है.
नेक्स्ट होता है कैंपस रिक्रूटमेंट. ये बहुत कॉमन है, आपने थ्री इडियट्स मूवी में भी देखा होगा और एज वेल एज आपको पता भी होगा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जब आप पढ़ रहे होते हो और फाइनल ईयर में होते हो तो काफ़ी कंपनीज आपके कैंपस में आती हैं, राइट, एंड देन दे कंडक्ट द इंटरव्यूज. और जब उन्हें लगता है कि हाँ ये एफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर सही जॉब कर सकते हैं तो वो उन्हें हायर कर लेती है. तो यानी कि आपके ग्रेजुएट होने से पहले पहले ही आपको जॉब के लिए अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है, बट आफ्टर द ग्रेजुएशन ओनली यू ज्वाइन द कंपनी. तो उसको कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हम उनसे जाकर पूछते हैं क्या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है जो ये काम करने में इंटरेस्टेड है या ये जॉब करने में इंटरेस्टेड है. और अगर वो रेफरेंस देते हैं तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एंड अगर सही लगता है, कैपेबल लगता है तो हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर. ये यूजुअली किसके लिए होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनती है, बंगलोज बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, तो मजदूर चाहिए होते हैं, राइट, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि हमें ये सब बनाना है और हमें मजदूर चाहिए. तो वो पूरी टीम लेकर आता है, वो लोग वर्क करते हैं, पर डे वर्क के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, एंड देन हाउ इट गोज. तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो लेबर की टीम या लेबर प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, और यूजुअली ये लोग पर डे वेजेस पर काम करते हैं, ठीक है. देन होता है एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी. ये भी आपको पता होगा कि अब टीवी वगैरह पे भी कितनी बार जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, राइट, यूजुअली एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री वगैरह के भी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर आते हैं जिनको देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड लास्ट बट द लेटेस्ट, दैट इज वेब पब्लिशिंग. इसमें मैंने सिर्फ साइट का नाम लिखा है क्योंकि साइट पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, naukri.com. अब इसमें क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जॉब ढूंढने के लिए. जैसे कि मुझे जॉब सर्च करना है, मैं naukri.com पर जाऊंगी, अपना प्रोफाइल क्रिएट करूंगी, उसमें मैं अपनी रिज्यूमे, अपना क्वालिफिकेशन, क्या पोस्ट मुझे चाहिए, सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगी. फिर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या जो एचआर होते हैं वो यूजुअली naukri.com विजिट करते हैं, एज पर दियर रिक्वायरमेंट वो लोग सर्च करते हैं, और अगर उन्हें कोई भी लगता है कि हाँ ये जॉब सीकर सही है या ये कैंडिडेट सही है तो उनको वो मेल भेजते हैं एंड इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं, एंड देन हाउ इट गोस. तो आज के टाइम में ये काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी ट्रस्टेबल भी मानी जाती है, जिससे जॉब्स वगैरह फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है, बोथ एम्प्लॉयर्स के लिए भी एज वेल एज जॉब सीकर्स के लिए भी, राइट. सो दिस आर द 10 एक्सटर्नल सोर्सेस. यूजुअली सारे एक साथ नहीं आएंगे, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं या मे बी 5 मार्कर में आपको कोई 5 या 6 लिखने को कह सकते हैं, राइट. तो आपको ईच एंड एवरी एक्सटर्नल सोर्स क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है. ओके, अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे. नंबर 1 बेनिफिट, हम बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हमें क्वालिफाइड पर्सोनल मिल सकते हैं. नंबर 2, बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी तो इसलिए हमारे पास वाइडर चॉइस हो जाती है. नंबर 3, बाहर से नए लोग आ रहे हैं यानी कि फ्रेश टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, एज वेल एज प्रेजेंट एम्प्लॉयज एंड न्यू एम्प्लॉयज एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, राइट, एंड उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में कोई भी लेजी नहीं रहता बल्कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. ओके, तो मैं कह सकती हूँ जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेज बन जाते हैं और जो इसके एडवांटेज है वो इसके डिसएडवांटेज बन सकते हैं. जैसे कि लिमिटेशन, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, क्योंकि उनको ना चुनकर हमने बाहर से नया एम्प्लॉय अपॉइंट करा है हायर पोजिशन के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ डिससेटिस्फेक्शन जरूर क्रिएट होता है एम्प्लॉयज में. नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट करना
इनवाइट करना, शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, देन उनको प्रोबेशन पीरियड पे अपॉइंट करना, देन फाइनली अपॉइंट करना. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्टली प्रोसेस है, जिसमें काफ़ी पेशेंस भी रिक्वायर्ड है एंड काफ़ी टाइम भी रिक्वायर्ड है. Right, so these are the two sources of recruitment, that is internal source as well as external source. Hope the topic is clear to you. That's it for now. This is Ankita Jain Gupta signing off. Thank you.